हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी राज। लगा रहे प्रेम हिंदी में, लिखूँ मैं हिंदी, पढ़ूँ मैं हिंदी, चलूँ मैं हिंदी और चलन में हिंदी। ये पंक्तियाँ हैं शहीद आज़म राम प्रसाद बिस्मिल की, जो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि आज हम अपनी बात करेंगे, आज हम आपकी बात करेंगे, आज हम हिंदी की बात करेंगे। तारीख 15 अगस्त 2019, इस दिन हमारे देश ने 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी जब कोई कहता है कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो लोग उसे फैशनेबल बना देते हैं। लेकिन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि हिंदी सिनेमा में अगर कोई कहता है कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो लोग उसे ठेठ अनपढ़ समझ लेते हैं। इस पर बात करने से पहले हम याद कर लेते हैं इरफान खान स्टारर हिंदी मीडियम का वो डायलॉग जिसमें कहा गया है कि इस देश में अंग्रेजी जुबान नहीं बल्कि क्लास है। वैसे तो ये फिल्म एक बच्चे के स्कूल के दाखिले के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसका असली कटाक्ष उन लोगों पर है जो अपने आप को सो कॉल्ड एलिट क्लास मानते हैं, जो जानते हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही सब कुछ है, जो अपने अंग्रेजी चश्मे से लोगों को जज करते हैं और उनका IQ लेवल टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि हाँ, हम बॉलीवुड की सारी खबरें आपको हिंदी में बताते हैं। मैं हिंदी पढ़ती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी की समझ नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि भाषा में हम जज्बात ढूंढते हैं। हिंदी का मतलब है हिंद में रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं। हिंदी की शुरुआत सिंधु नदी से हुई थी। आज के ज़माने का ईरान और उस ज़माने का फारस यानी पर्सिया के लोग स को ह बोला करते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। इस वजह से सिंधु बना हिंदू, हिंदू बनी हिंदी और हिंदी आप सबके सामने है। अंग्रेजी वैसे तो काफ़ी समृद्ध भाषा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी इससे कुछ कम है। साल 2018 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में वुमेन एम्पावरमेंट शब्द के लिए नारी शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा शब्द अवतार भी काफ़ी फेमस है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। आपको हॉलीवुड फिल्म अवतार तो याद होगी ही। हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल का वो गाना तो आपको याद होगा ही, एक बंगला बने न्यारा। बता दें कि इंग्लिश में बड़े मकानों को बंगलो कहा जाता है, लेकिन ये बंगलो वर्ड भी इसी बंगला से निकला है। इसके अलावा श्रीदेवी का गाना मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, ये भी आपको याद होगा। चूड़ियों को इंग्लिश में बैंगल्स कहते हैं। हिंदी में चूड़ियों के लिए एक और शब्द है, वो है बंगड़ी। तो बंगड़ी से ही बैंगल्स बने हैं। जब हिंदी सिनेमा में हिंदी को इतनी तवज्जो दी गई है तो बॉलीवुड इसमें पीछे क्यों रह जाता है? ऐसा नहीं है कि फिल्में इंग्लिश में बनती है, फिल्में हिंदी में ही बनती है, लेकिन इसके इंटरव्यू, इसका प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में किया जाता है। जब किसी स्टार को अप्रोच किया जाता है तो उसे भी एक इंग्लिश में मैसेज लिखना पड़ता है। कल इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हो रही है और इस मौके पर हमने आपसे हिंदी में इसलिए बात करने की कोशिश की है कि आपको बता सकें कि हिंदी शर्मिंदगी का कारण नहीं है, क्योंकि असली मज़ा जो है वो हिंदी में ही आता है। क्योंकि माताएं और भाषाएं शामियाने से नहीं बल्कि बेटे और बेटियों के जरिए पहचानी जाती है, इसलिए हमें इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इनकी इज्जत करनी चाहिए। हिंदी में सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।